बिग बॉस सीजन 13 में वीकेंड के वार एपिसोड में इस बार शनिवार को अचानक एलिमिनेशन हो गया। जी हाँ, इस हफ्ते पहले ही शो में वाइल्ड कार्ड से एंट्री करने वाले प्रतियोगी तहसीन पुनावाला शो से बाहर हो गए। तहसीन के शो से इतनी जल्दी बेघर होने पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। तहसीन ने जब एंट्री ली थी तो उन्होंने बाकी प्रतियोगी को चैलेंज देते हुए कहा था कि वो ही शो जीत कर जाएंगे। इसके बाद लग रहा था कि वो कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन एक हफ्ते में ही वो घर से बाहर हो गए। जी हाँ, जिसके बाद उनके फैंस काफ़ी हैरान हैं। तहसीन की पत्नी मोनिका वाड्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बताया है कि राजनीतिक कारणों से उनका सफर बीच में ही खत्म कर दिया गया। मोनिका ने अपने इंस्टा स्टोरी पर लिखा, आप सभी का शुक्रिया इतने प्यार और समर्थन के लिए। अयोध्या का फैसला देश के मौजूदा राजनीतिक स्थितियों से जुड़े हुए कुछ मामले और लीगल कुछ कारणों की वजह से तहसीन को काफी ज्यादा फेमस हो रहा था वो, और इसके बावजूद भी उन्हें बिग बॉस की अपनी इस यात्रा को छोड़नी पड़े। उन्हें अपने राजनीतिक जोन में वापस जो आना था। वहीं अयोध्या मामले पर तहसीन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, एक भारतीय नागरिक के रूप में मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान और स्वागत करता हूँ। मेरा मानना है कि अगर उचित और तार्किक आंकड़े हैं तो मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए। विभिन्न कानूनी मामलों को संबोधित करना और टीवी कार्यक्रमों पर आज से ही अपनी राय रखना शुरू कर चुका हूं। बता दें कि तहसीन अक्सर टीवी के राजनीतिक बहसों में काफी ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं। वो कई समाचार पत्रों में कॉलम भी लिखते हैं और तहसीन को कई बार Page 3 पार्टी और फैशन इवेंट में भी देखा गया है। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।